हरिओम, श्रेया बंबर, मैं लता वेरा शिंदे, वानोड़ी बहुभाषी केंद्र पुणे। जिंदगी में जाते समय कई बार कई चीज़ें होती है, लेकिन कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज़ हाथ में नहीं होती उसको ही हम कभी वाकया कहते हैं या हादसा कहते हैं। वैसे ही 2019 साल में मेरे साथ एक हादसा या घटना, ऐसी दुर्घटना घटी कि उस समय सितंबर महीना था, गणेश जी का आगमन, महालक्ष्मी जो कहते हैं इसके महाराष्ट्र में इसको गौरी कहलाते हैं, इसका आगमन होने जा रहा था। और उस समय की बात ऐसे है कि उस दिन सुबह तकरीबन 11 बजे तक मैंने उस महालक्ष्मी माता को अपने एक तबक जो कहते हैं उसमें निकाल के उसका श्रृंगार बड़ा इससे प्यार से करके मैंने उसको रखा था। और मैं उनके लिए फूल लाने के लिए मार्केट मुझे जाना था, इसलिए निकली घर से निकली 11:30 बजे का समय था। और जिस रास्ते से मैं गुजर रही थी उस वक्त वहाँ पर कोई ट्रैफिक वैसे होता नहीं, लेकिन पता नहीं क्या बात थी उस समय उस दिन उसका वहाँ पर ट्रैफिक था। और जैसे मैं वहाँ पे गुजर रही थी देखा कि पता नहीं 5 मिनट पहले मन में एक अजीब सी घबराहट हो गई और मैंने मेरे बेटे को कहा कि चलो वापस चलते हैं, नहीं जाना है मुझे फूल लाने। उसने मुझसे कहा कि ये क्या बात होगी, अभी तो आप बोल रहे थे मुझे फूल लाना है, अभी क्यों मना कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं पता नहीं, लेकिन चलो वापस। मैं ऐसे कहने ही जा रहे थे, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का वक्त था कि वहाँ पर एक डिवाइडर जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में और उस पर से गाड़ी जैसे चढ़नी ही थी, तब तक कुछ समझने से पहले मेरा हाथ जो था जहाँ पर मैं एक्टिवा में बैठी थी पीछे, हाथ छूट गया और कुछ समझने से पहले मैं ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरी कि बस मुझे इतना ही समझा कि बापू। और बापू की देखो, बापू ये सदगुरु जो कहते हैं ना, सदगुरु हमें हर तरीके से झेलते हैं, क्या झेलना होता है हम नहीं जानते हैं। लेकिन उस समय मेरे मुंह में जैसे बापू ने जो दिया हुआ जप है रामा रामा आत्मा रामा, ये चल ही रहा था। और जैसे मेरा गिरना हुआ, जैसे एक्टिवा से मैं नीचे जिस तरीके से गिरी और उस समय सिर्फ मन में बापू करके मैंने आवाज़ दी और जो जोर का झटका जैसे ऊपर से नीचे गिरी, तो सिर्फ एक ही पॉइंट था कि जहाँ पे मेरे शरीर के एक पॉइंट पे मैं पूरा प्रेशर मेरा उस पॉइंट पे आके मैंने नीचे गिर गई। और वो गिरना इतना जोरदार था कि बस मुझे उस पल में इतना ही समझा कि मैंने अब ये धरती को शायद छोड़ दिया, अब जो भी है अब मुझे यहाँ पे शायद मैं बचूँ नहीं बचूँ। मतलब एक पल में ब्रह्मांड घूम के आना क्या होता है, उस पल में मैंने जिंदगी महसूस किया। और उस वक्त में जब जैसे गिरी है इतने जोर से तेज़ी से जिस तरीके से गिरी, उसी समय उस रोड के उस दूसरी ओर से कई गाड़ियाँ आ रही थी और उसी समय सब गाड़ियों की ब्रेक वहीं पर लग गई और मेरा गिरना देख के सब वहीं पर भिड़ हो गई। और ये सब इसमें गिरने के बाद में मुझे पूरे इस टिप पोर्शन जो रहते हैं उंगली के इसमें ऐसे झंझनाहट आ गई कि सिर से लेके नीचे तक मुझे ऐसा लगा कि पूरा शरीर में कुछ नहीं रहा ऐसे, और मैंने अपनी आंखें पूरी बंद कर दी। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही था कि इतना सिर्फ था कि बापू, मैंने बापू की कृपा देखी है कि उसकी कृपा के बिना हमारे मुंह में नाम आ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने भले ही छोड़ना चाहा लेकिन बापू ने मुझे नहीं छोड़ा था, मेरे मुँह से निकल गया बापू। और वैसे ही मैंने आँखें बंद कर ली और जैसे ही मुझे समझ में आया कि मेरी थोड़ा सा झंझनाहट कम हो रही है, मैंने ये महसूस किया कि अब मैं जीवित हूँ। तब मैंने बापू को मन में एक ही सेंटेंस बोला, बापू संभाल लो सब। अब जिस वक्त ये घटना घटी और मेरे मुँह से जैसे ये सब थोड़ा सा नॉर्मल होते समय में आँखें मेरी बंद थी, सब जन आवाज़ दे रहे थे, आवाज़ सुन रही थी मैं, अगल बगल की लोग पूरी भीड़ हो गई, सब जन आवाज़ दे रहे थे, सुनिए सुनिए मैडम क्या हुआ, कौन बोल रहा, दीदी क्या हो रहा है, ऐसे आवाज़ सुन रही हूँ मैं, सब कुछ महसूस। लेकिन मैं अपने आप में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उसी में मैंने सिर्फ इतना ही कहा बापू बापू बापू। और मेरा वो बापू बापू की जो आवाज़ है वो सुनकर कुछ लोग बोले हाँ हाँ बापू तुम्हारे आ रहे हैं आएंगे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये लड़ी बापू किसको बोल रही है और क्या कर रही है, ये नहीं समझ में आ रहा उनको। उन्होंने मुझे इतना ही कहा हाँ हाँ आपके बापू आ रहे हैं। अब मन में मुझे इतना ही लगा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन बापू ने मुझे नहीं छोड़ा था। और उस वक्त का जो मार जो लगा था सिर केवल जो मैं गिरी थी उसमें जो चीज़ें मैंने महसूस की मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये सब चीज़ों की आवाज़ सुनते सुनते मैं सिर्फ बापू 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 बस यही रट लगा के रखी थी मैंने। और उसी समय मैंने आँखें धीरे धीरे खोली। सबने कहा कि आपको लग रहा है अभी, लेकिन अभी भी वो मीटिंग होगी आपको, आप थोड़ा सा हौसला रखिए, शांत बैठिए। एक बंदा जा रहा था, उसने अपनी गाड़ी रोक कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया और कहा कि चलो मैं मैडम आपको छोड़ा। उससे संजोग देखो कि बापू जो भी चीज़ें घटना हमारी ज़िंदगी प्राप्त है हर एक को है, इससे गुजरना सभी को पड़ता है। लेकिन वो जो वाकया मेरे साथ होना ही था, वो घटना दुर्घटना मेरे साथ घटनी थी, वो ऐसे रास्ते में घटी है कि मेरे पास से जहाँ पर मैं गिर
वहाँ से रूबी जो है वानोड़ी का रूबी और क्लिनिक जो है बस 5-4 मिनट पे डिस्टेंस पे था, तकरीबन 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। वहाँ से मैं उस व्यक्ति ने मुझे गाड़ी में बिठाया, मैं हॉस्पिटल में गई, एकदम से इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ पे ये होने के बाद में डॉक्टर ने मुझे पूछताछ की, उन्होंने इमरजेंसी में कहा कि इनका स्कैन करना पड़ेगा। और उसी समय हमारे वानोड़ी सेंटर की एक श्रद्धावान वहाँ पे है, उस डिपार्टमेंट में रूबी में काम करते हैं, वो भी भागे भागे नीचे आ गए। उन्होंने तुरंत कहा कि ये मेरे जो पहचान के हैं, इनका जल्दी से स्कैन होना चाहिए। स्कैन में जो भी नंबर लगे थे उन्होंने तुरंत ही मेरा नंबर पहला ये कर दिया स्कैन मशीन में। जैसे ही दिए, मैंने बापू को कहा कि ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपको बेटी को कैसे रखना क्या रखना मैं नहीं जानती। मैं स्कैन मशीन में चली गई और जैसे स्कैन करने के गई, उसके पहले ही जैसे मैं हॉस्पिटल में बेड पे चली गई हूँ, मैंने बेटे को पहले कहा कि मुझे भभूति दे दो। मैंने माथे पर लगाई भभूति, मुँह में ले ली, जो भी है बापू देख लेंगे। जैसे स्कैन में गई हूँ, बापू को कहा बापू आप जो भी संभाल लोगे। अब ये सब होने के बाद उन्होंने उनका जब मैं रटती जा रही थी स्कैन मशीन की, जैसे जो भी होता है जिसने स्कैन किया होगा, कान पे सब कान बंधे हुए थे, आँखों पर आँख बंद करके हूँ, लेकिन उसका आवाज़ भी मुझसे बंद, क्योंकि उस आवाज़ में मैंने महसूस किया कि मैं अपने सदगुरु का जब जो है उस आवाज़ से मिला रही थी और मेरे सदगुरु का जब मेरे अंदर से वही करवा रहे थे। अब ये होने के बाद मैं स्कैन से हो गया, सबको हो गया, स्कैन मशीन से बाहर निकले, स्कैन काफ़ी देर चला। अब ये सब घटना होने के बाद मैं जब जैसे ही बाहर आई हूँ, मुझे जैसे ही उन्होंने अपने इसमें लेके गए हैं टेबल पे, जैसे फिर से लाया गया है, अब ये होने के बाद में रिपोर्ट तो तुरंत निकालनी पड़ी थी उनको, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे वो, और उनका कहना था कि अभी हम लोग इनको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात कही, उन्होंने मुझे दो बार पूछा कि क्या मैडम आपको कुछ लग रहा है, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं लग रहा, अंदर की बात है कि जैसे अंदर ही अंदर बापू ही अपना जब रटा ही रहे थे। ना मुझे उस समय डर लग रहा था, ना चिंता हो रही थी, एक पल के लिए तो इंसान है तो हिल ही जाता है। अब ये होने के बाद में जैसे उस समय वो भी देखिए बापू की योजना कैसे, उसी समय जो न्यूरो सर्जन थे उनकी विजिट थी, जिस वक्त मेरा ये सब चल रहा था उसी समय न्यूरो सर्जन की विजिट थी। वो वहाँ से जैसे आए, उन्होंने उनको इसमें जो लोग थे उन्होंने बोल दिया कि सर आपका एक पेशेंट न्यूरो इस पर रिलेट करता है, आप उनको देख लीजिएगा, ऐसा ऐसा अभी एक्सीडेंट हुआ है, सिर के बल लड़ी गिरी है और जोरदार प्ले हुआ है, आप देख लीजिएगा। जैसे वो मेरे पास आए हैं, वो डॉक्टर मेरे सामने खड़े हैं, मुझे अभी भी वो चित्र अभी भी याद आता है, वो मेरे सामने खड़े रहे पीठ पर हाथ रख के, और मुझे उन्होंने पूछा कि आपको कुछ याद है, आप कैसे गिरी क्या गिरी। तो मैंने कहा मैं आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बराबर एक एक बारीकी से बता सकती हूँ, मैं घर से कैसे निकली, क्या हुआ क्या नहीं। ये सब सुनने के बाद उनका उनको ये समझ में आ गया उन्हें कि मेरी आवाज़ मेरी बातें करने का ढंग पूरा नॉर्मल था, और मैंने उनको पूरा नरेट किया कि मैं कैसे निकली क्या क्या हुआ। ये सब होने के बाद में वो समझ गए कि इन्होंने जो भी ये किया है सब भी बता रही है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ मेमोरी के जैसा नहीं लग रहा आपने कहीं कुछ, मैंने कहा कोई चांस ही नहीं है, हर चीज़ में आपको कल क्या हुआ ये भी बता सकती हूँ, आज सुबह क्या खाया ये बताऊँ मैं आपको। जैसे ही मैंने ये बोला है तुरंत उन्होंने सिर्फ उनके एक्सप्रेशन मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल वैसे ही रह गए। उन्होंने एक पल के लिए मुझे देखा बिल्कुल हक्का बक्का रखी मैं देखती, उन्होंने इतना ही कहा कि ये क्या बोल सकता हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी में आज की तारीख में जितने लोग देखे हैं जो सिर के बल गिरे हैं आज तक ऐसा ऐसी घटना मैंने कभी देखी, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। क्योंकि जिस तरीके से आप गिरी हो, जिस तरीके से आपको लगा है, आपके उस गिरने में और उस निर्णय उनके जो क्या कहेंगे डॉक्टर लैंग्वेज में उन्होंने मुझे इतना ही एक्सप्लेन किया कि एक राइस का डिस्टेंस क्या होता है, राइस चावल एक ही दाना, कितने डिस्टेंस से आप बच गई हो, अगर वो इतना डिस्टेंस क्रॉस करती थी तो आप आईसीयू में होती थी या तो ऑपरेशन थिएटर पे होती थी, आईसीयू में नहीं सॉरी कोमा में होती थी या ऑपरेशन थिएटर पे, तुरंत कोमा में जा सकती थी आप, ये दो ही पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन आप इस तरीके से मेरे सामने बात कर रही है, यानी इसका मतलब है शायद आपके पीछे कोई भगवान की ताकत है। मैंने कहा ज़रूर, आपने जो कहा सही कहा, मेरे पीछे मेरे सदगुरु की ताकत है जिसके कारण मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। और मैंने इतने इससे कहा फोर्सफुली कहा कि वो डॉक्टर भी उनके स्कूल को भी समझ में आ गया कि ये जब इतने सदगुरु का नाम इसने कॉन्फिडेंस से ले रही है, सच कुछ वाकई इसके सदगुरु जो है उसने उसको बचा लिया, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने इतना ही कहा कि आपको देख के तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और आपका कॉन्फिडेंस देख के समझ में आ रहा है कि आपने हर चीज़ को मतलब अच्छे से ये किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप इतनी अच्छी हो तो चले जाइएगा घर। लेकिन फिर बेटे को समझाया कि इनको इतना सा भी एक रस्सी तिल भर भी जैसे हिलना नहीं है, इनको बिल्कुल स्टडी चलना है, कहीं आगा कुछ नहीं हिलना है, बैठेगी तो बिल्कुल आराम से बैठेगी, इनकी नींद को कोई डिस्टर्ब ना करे। और उन्होंने मुझे
सोने की दवाई जो है टैबलेट उस दिन दे दूँ। उस दिन मैंने पहले ही कहा कि महालक्ष्मी जो थे घर में आने वाली थी, तो ऐसे चीज़ें थी घर में कि साड़ी तो मुझे ही पहनानी थी, और कुछ ऐसे था कि मेरे अगल बगल में जो मेरे नेबर्स थे वो किसी कारण उस दिन उस त्यौहार के कारण कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए मुझे कोई भी उस चीज़ के लिए साड़ी पहनाने के लिए मेरी जो महालक्ष्मी माता है उसको कोई नहीं मिल रहा था। अब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैंने बापू की प्रार्थना की, मेरे नंदाई को प्रार्थना की कि आप ही संभालो, आप इस जो माँ को साड़ी पहनाना है इसको मैं कैसे पहनाऊँ। उसका मुहूर्त था, लेकिन मैंने उस समय गोली खा के सो गई और मैंने वो चीज़ अपने बापू नंदाई बापू दादा को बोल के छोड़ दी कि आप ही देखो मुझे ये सब साड़ी पहनानी है, इस चीज़ को मैं कैसे करूँ। उसी समय में मेरी नींद लग गई और 5 बजे के दौरान में, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 5 बजे के दौरान में मुझे किसी ने हाथ लगा के हिला दिया। सब इतना समझ में आया कि मुझे कोई हिला रहा है, अगल बगल में देखती तो कोई नहीं, मुझे स्पर्श महसूस हुआ। मैं उठ गई, घड़ी में देखा तो मेरी साड़ी पहनना जो है माँ की साड़ी मुझे पहनानी थी, तो मुझे उठना ही था। किसी हालत में धीरे धीरे करके रूम में बाहर चली गई। अब वो जो चीज़ें जो कुछ चीज रस्म रहती है भगवान की, उन्होंने मेरे से करवा ली, सब कुछ साज श्रृंगार करवा लिया। अब ये होने के बाद में जब वाकियात को जब मैंने पीछे इससे बारीकी से देखा तो समझ में आया कि जिस वक्त मैं गिरी, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो हर चीज़ को छू के जाती है। मेरा जो गिरना था उससे मेरा शरीर का कोई भी पार्ट उस रास्ते को स्पर्श हुआ मुझे याद नहीं है, ना मुझे कानों को कहीं खरोच लगी, ना गाल को लगे, ना हाथ को, मेरा कोई भी बदन उस रोड को स्पर्श किया नहीं था। और मुझे उस समय बाद में याद आया, बहुत हिस्से सोचने के बाद में, कि ऐसा महसूस हुआ मुझे कि आज तक सिर्फ लोगों के अनुभव सुनती थी कि एक्सीडेंट होते समय कुछ अलग महसूस किया, लेकिन वो अलग चीज़ मैंने ज़िंदगी में खुद महसूस की कि मुझे लगा कि नीचे कोई हाथ, पता नहीं क्या था, लेकिन और उसके कारण सिर्फ एक ही पॉइंट पर हिट हुआ जहाँ पे बहुत दर्द था और इस हिस्से में निकल गई। अब मेडिसिन भी 2-4 दिन की उन्होंने दे दिया, उन्होंने भी डॉक्टर ने स्ट्रेट में मुझे बोला कि ये तो मिरेकल है, इस मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है कि इतने गिरने के बाद कोई इस तरीके से रहता है। क्योंकि सदगुरु को जो है ना अनुभव करना ही अपने आप में बड़ा अनुभव होता है, और ये अनुभव मेरी ज़िंदगी में जो रहा इसको बताने की यही वजह है कि सब कुछ है लेकिन जब सदगुरु की कृपा नहीं तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते। क्योंकि आज के कलयुग में सिर्फ सदगुरु का होना जो है ना ये इतनी बड़ी बात है अपने आप में, उसके रहते ही हम लोग हर ज़िंदगी से, हर मकाम से, हर तकलीफ से गुजर के कहीं पर भी जा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताने जाऊँगी यहाँ पे स्पेशली, ये घटना घटने से पहले 4 दिन पहले मेरे बेटे के सपने में बापू आया, उसको वो दिखाई दे रहा है कि उसमें एक रूम है जहाँ पर बापू है, सब लोग हैं, बापू उस वक्त ये जिक्र कर रहे हैं कि ये जो इस साल की जो महालक्ष्मी है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब मेरे बेटे के दिमाग में वो रहेगा, वो मुझे आके सपना बोल रहे हैं मम्मी बापू ने ऐसा कहा कि इस दिन की जो महालक्ष्मी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या नहीं जानते थे। लेकिन उस समय उनका ये इंडिकेशन हम नहीं समझ पाए, लेकिन जब ये सब घटना घटी तो समझ में आ गया कि बापू ने हमको क्या कहा। मैं यही चाहती हूँ कि रोज का दिन अच्छा जाना भी अपने आप में अनुभव है, और इस हिस्से में तहे दिल से प्रार्थना करूँगी बापू को कि ये हमेशा की तरह ये जो है यही कृपा हम पर, हम सब पर बनाए रखें। हरिओम श्री राम।